हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमने वर्चुअल पोर्टफोलियो बनाया था उसका फॉलोअप, और उसमें एक स्टॉक भी ऐड करेंगे। तो हमने 5 स्टॉक के साथ एक पोर्टफोलियो बनाया था लगभग 2 हफ्ते पहले, और जिसमें हमने बायोकॉन, कोलगेट पामोलिव, डॉक्टर पाथलैब, ऐसे लोम्बार्ड और पिरामल एंटरप्राइजेस उनको ऐड किया था। हर एक में हमने लगभग 10,000 के अराउंड इन्वेस्टमेंट की थी। तो यहाँ जो है, तो आप देख सकते हो कि बायोकॉन जो है तो उसमें हमें लगभग 575 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ जो है तो कोलगेट पामोलिव में लगभग 230 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लगभग ये 2.5% ऊपर है, और बायोकॉन जो है तो 5.8% ऊपर है। डॉक्टर पैथलैब में लगभग 200 रुपये का लॉस है और ये 2.4% डाउन है। ऐसे लोम्बार्ड में लगभग 435 रुपये का लॉस है, ये 4.5% डाउन है, और पिरामल हेल्थ केयर में लगभग 666 रुपीज़ का लॉस है और ये 7.12% डाउन है। हमारी जो टोटल कॉस्ट थी वो थी 46,753। अभी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो लगभग 46,256। तो यहाँ लगभग 500-600 रुपये का लॉस दिखाई दे रहा है। या हम देख सकते हैं कि टॉप परफॉर्मिंग एसेट जो है तो बायोकॉन था, और जो लिस्ट परफॉर्मिंग एसेट है वो है लगभग पिरामल एंटरप्राइजेस। और यहाँ जो है तो हमने हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू लगभग 46,900 तक जाते हुए देखी थी, मगर यहाँ जो है तो थोड़ा सा सेल ऑफ की वजह से यहाँ थोड़ा सा हमें थोड़ी सी वीकनेस दिख रही है, और हमारा जो पोर्टफोलियो है वो डाउन है, लगभग 1% डाउन ट्रेड कर रहा है। यहाँ जो है तो हम इसमें नया स्टॉक ऐड करेंगे, उसका नाम रहेगा नाम इंडिया। ये जो स्टॉक है आप इसका एनालिसिस देखेंगे तो यहाँ जो है तो हम मोस्टली मेजर एवरेजेस के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं, और हमारा जो इसमें रूल था कि जो 200 वीक के एवरेज के अराउंड है उसमें, तो यहाँ इसने सपोर्ट लिया था 290 285 पे, वहाँ से बाउंस बैक दिया, फिर से उस सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ जो है तो हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा व्यू तो लॉन्ग टर्म का है, तो थोड़ा सा 5-10% से कुछ नहीं, क्योंकि हमें इसमें जो है तो मल्टीपल गेंस करने हैं। तो करंट लेवल पे मुझे एक ही स्टॉक अच्छा लग रहा है ऐड करने के लिए, वो है नाम इंडिया। हमने ऑलरेडी ये जो है तो 5 ऑलरेडी ऐड कर दिए, और नाम इंडिया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 1.5% नीचे बंद हुआ था 327 के अराउंड। और यहाँ जो है तो इसको हम ऐड कर देते हैं हमारे पोर्टफोलियो में। तो यहाँ जाएंगे हम, ऐड स्टॉक करेंगे नाम, ये निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, इसको ऐड करेंगे फ्राइडे की तारीख से। इसमें जो है तो हम देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी आ सकती है, तो हम 10,000 रुपीज़ ÷ 327, तो लगभग हम यहाँ जो है तो 31 क्वांटिटी ऐड कर देते हैं, मैंने जैसे कहा था, और यह 327 का, और ये NSE ऐड कर देंगे। तो कभी कभी राउंड फिगर करने के लिए थोड़ा सा ये 10,000 के ऊपर चला जाएगा, तो ठीक है, इतनी कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक 141 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग गए हमें 10,000 के ऊपर। तो इसमें हमने 327 पे इसको ऐड कर दिया है। तो यहाँ अभी हमारे 6 स्टॉक हो चुके हैं, अभी इनको भी हम आने वाले 1-2 हफ्तों में इसको ट्रैक करेंगे। अभी जो है तो मार्केट इतना नीचे है या वोलेटिलिटी है, फिर भी हमारा जो पोर्टफोलियो था सिर्फ 1% नीचे था। और यहाँ जो है तो हमें 2 स्टॉक अच्छे मिले हैं, कोलगेट पामोलिव और बायोकॉन, जिन्होंने, बायोकॉन में तो आप देख रहे हो कि लगभग हमें 6% का इसमें गेन भी देखने को मिले। अभी हमारा पोर्टफोलियो बन चुका है 56,890 का, उसमें लगभग 1% का डाउन चल रहा है, ये 56,400 के अराउंड चल रहा है, 500 रुपीज़ का लॉस दिख रहा है। और ये फ्राइडे के दिन वो पोर्टफोलियो लगभग 803 रुपये नीचे था। यहाँ जो है तो आप देख सकते हैं कि टॉप परफॉर्मिंग एसेट बायोकॉन, लिस्ट परफॉर्मिंग एसेट पिरामल एंटरप्राइजेस। तो आज हमने ऐड किया है नाम इंडिया, और इसमें जो है तो आगे भी चल के कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती तो वो भी स्टॉक हम ऐड करेंगे, और हर 1-2 हफ्ते के बाद एक एक स्टॉक ऐड करते जाएंगे, वो भी ओनली फॉर 10,000 रुपीज़। तो अभी यहाँ हमारा पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है लगभग 56,000-57,000 के अराउंड। तो आई होप सो, और यहाँ जो है तो आप देख सकते हो कि यहाँ किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन काम करता है, आपको जो है तो इतने वीक मार्केट में भी बायोकॉन और कोलगेट पामोलिव जो है तो ये अच्छे से रिटर्न दे रहे हैं। यहाँ जो है तो यहाँ नेगेटिव है, मगर यहाँ विनर भी है, और आपको दिखेगा कि ये लॉन्ग टर्म में किस तरह से आपको एक अच्छे खासे गेंस देता है ये पोर्टफोलियो। तो आई होप सो कि ये जो हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किया है ये थोड़ा सा आपके लिए
जो नए इन्वेस्टर है उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, और जो पुराने इन्वेस्टर है या फिर एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है उन्हें भी एक आइडिया मिलेगा किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन होता है या फिर किस तरह से रूल बेस्ड ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग किया जाती है। या हमारा सिंपल रूल है कि जो भी स्टॉक उसके 200 वीक के एवरेज के अराउंड है उसमें हम एंटर करते हैं। एक्चुअली इसमें एंटर तो यहाँ करना चाहिए था, मगर तब हमने ये एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं किया था। अभी भी जो है तो थोड़ा सा महंगा खरीद रहे हैं, मगर ठीक है क्योंकि हमारा जो टारगेट है इसका ये कम से कम 2 to 3 ईयर होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ जो है तो हमारे लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है 10,000 पर स्टॉक, और यहाँ हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 40, 50 या फिर 100% रिटर्न के पर स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस और जो हम एक्सपेरिमेंट कैरी आउट कर रहे हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर मैं आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपको अगर श्योर शॉट ट्रेडिंग कॉल चाहिए तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।